खाना दिया जा। ये कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुमा पढ़ने का मौका मिला है। पहला जुमा है रमज़ान का। खाना काबा के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ज़्यादा गए थे। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ये जी जब पापा पाकिस्तान से गए हैं उधर तो एक तो पहली बार 2 घंटे का फ़र्क पड़ गया था, वो पीछे हैं हमसे। तो फिर उन्होंने जाते ही पहले रूम लिए हैं, उसके बाद उन्होंने जुम्मा पढ़ा, फिर उमरा किया, तो वो थक काफ़ी वजह से उन्होंने व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो ये उससे नेक्स्ट दिन की वीडियो है। ठीक है, लग गया। ये माशाल्लाह इफ्तारी का टाइम हो रहा है जी, ये देखें। ये यहाँ पे इफ्तारी भी बांटी जाती है लोगों में, लोग इफ्तारी भी बांटते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। इसकी असर रीज़न ये है कि जो बंदा दोपहर का आया हुआ है वो असर पढ़ के मगरिब के टाइम आ रहा है या उमरा करके आ रहा है, और कुछ जा रहे हैं। एक शिफ्ट आती है और एक चली जाती है, इस तरह। ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट रह गए इफ्तारी में। मैंने पाकिस्तान फ़ोन किया था, उन्होंने कहा जी हमने तो रोज़ा भी खोल लिया है। उस वक्त हम असर की नमाज़ पढ़ रहे थे जब उन्होंने बोला कि हमने तो रोज़ा खोल लिया है। लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये माहौल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर जिसका दिल चाहता है बैठ जाता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये अलबैक आगे है, थोड़ा सा अलबैक करीब है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दिन को 40-45 सेंटीग्रेड होता है, 42-44, और रश बहुत ज़्यादा है। कल जुमा था, जुमे का जो रश था वो तकरीबन 1-1.25 करोड़ के करीब आदमी था। आज ज़रा कम था उससे, आज कम है रश। ये मक्का टावर है। और खोल तो जिदा जो टाइम नेड़े आई खोल भी देंगे, जिन्ना सख्ती की फिर नरमी भी कर दें। माशाल्लाह जी अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम वापस आ रहे हैं, तो ये राश देखें ज़रा। बहुत ज़्यादा रश है माशाल्लाह। ऐसा लगता है सारा मुसलमान पाकिस्तान इंडिया से दुनिया से जितना मुसलमान है इधर आ गया है रमज़ान करने के लिए। ये माशाल्लाह पे जमजम की बोतल है जी, इस तरह की दो भरी है मैंने, और ये पहली कुबरी आ रही है। इस कुबरी के बिल्कुल सामने हमारा होटल है जो हमने खुद परचेज़ किया है। यकीन जाने अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है कि जो पैकेज बना के देते हैं वो इधर कभी भी होटल नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। लेकिन मैंने इनकी गलियों में 200 रियाल में कमरा लिया है, तो ये 75 रियाल या 100 रियाल के हिसाब से सिर्फ पर पर्सन ले रहे हैं। और उसको कहाँ फेंक रहे हैं, 900 मीटर तीसरी कुबरी पे, शायद तीसरी कुबरी से भी ज़्यादा दूर। आपने आना हो तो ये गन्ने वाली गली है, इसके पीछे बिल्डिंग है। अच्छे कमरे आप ढूंढें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो ये जो होटल है ना, ये वाला होटल 2000 रियाल 1500 रियाल कम से कम पर डे पे है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, पर डे एक नाइट का 2000 रियाल 1500 रियाल 2500 रियाल भी है। रमज़ान शुरू हो रहा है, इसमें 2500 रियाल तक भी चला जाएगा। और हमने कितने में लिया, 200 रियाल में। सिर्फ फ़र्क क्या है, हमारे जैसे सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो ढूंढ लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला ज़रूर मेहनत का रंग ले आता है। वो जो सामने बिल्डिंग है ना, सामने होटल है, इनकी बैक साइड पे होटल है और बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग मिल जाती है। ये देखें, ये जो सामने गलियाँ छोटी छोटी नज़र आ रही है ना आपको, इनमें ज़बरदस्त कमरे मिल जाते हैं सस्ते में। ये उन दोस्तों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है जो ज़्यादा चल नहीं सकते बीमारी की वजह से या किसी वजह से भी, और उनको नज़दीक तरीन बिल्डिंग चाहिए तो वो यहाँ आके रह सकते हैं। ये सारी वो गलियाँ हैं, ये देखो सामने इस तरह गलियाँ बनी हुई हैं। इन गलियों में अच्छे होटल मिल जाते हैं कम रेट पर। ये देखो शॉपिंग है, खाना नाल ही ले जी। ये देखिए जी पाकिस्तानी होटल, नहीं खाना दिया गया। ये कैसे है? हाँ पर्ची दे के इधर आया। ये रास्ते सारे बंद किए हुए हैं जी, यहाँ से सिर्फ जो अंदर आ रहे हैं उनको बंद किया हुआ है, जो अंदर से बाहर आ रहे हैं उनके लिए ओपन किया हुआ है। ये देखिए, ये सारी दुनिया आने वाली है जितनी भी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। दरअसल मुझे जिस तरह वीडियो पापा सेंड कर रहे हैं ना, उसी तरह मैं व्लॉग बना अपलोड कर रहा हूँ। तो बाकी बहुत मुश्किल हो रही है इस तरह, कई वीडियो जो बड़ी हैं वो थोड़ी लेट हो जाती हैं, छोटी जल्दी पहुँच जाती हैं। बाकी यार मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखिएगा और भाई के चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है।